नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। बाणगंगा थाना क्षेत्र में नकली नोट बनाने के मामले में संदेह आरोपियों को खंडवा से पकड़ने में थाना प्रभारी के साथ आरोपी के भाई ने झूमा झटकी की, साथ ही शासकीय कार्य में बाधा डाली। थाना प्रभारी की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। दरअसल बाणगंगा थाने पर आकर खंडवा थाना प्रभारी पीआर डाबर ने शिकायत दर्ज कराई कि वो नकली नोट बनाने के मामले में संदेही अभिजीत भारत एवं राघवेंद्र चौहान की तलाश में पुलिस बल के साथ इंदौर आया था। संदेही अभिजीत व राघवेंद्र चौहान के मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल एवं लोकेशन के आधार पर संदेही राघवेंद्र को पकड़कर लाते समय संदेही राघवेंद्र का भाई मनोज सिंह चौहान, जो वर्तमान में जिला धार पुलिस बल में पदस्थ है, आया और मेरे एवं फोर्स के साथ झूमा झटकी कर शासकीय कार्य में व्यवधान उत्पन्न किया। मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की है। कल दिनांक को खालवा जिला खंडवा थाना प्रभारी अपने फोर्स के साथ भारतीय मुद्रा का निर्माण किया जा रहा था, जिसमें यहाँ जो संदेही थे राघवेंद्र सिंह चौहान, उनकी तलाश में आए थे। तो जो संदेही राघवेंद्र सिंह चौहान है, उनकी लोकेशन बाणगंगा के रघुवंशी कॉलोनी में आई थी, जहाँ पर वो तलाश करते हुए पहुँचे थे अपने बल के साथ, जहाँ से वो उसकी पूछताछ के लिए उन्हें लेकर आ रहे थे। तो राघवेंद्र सिंह चौहान और उनके भाई जो ASI धार जिले में पदस्थ है, मनोज सिंह चौहान के द्वारा पुलिस कार्य में व्यवधान डालते हुए उन्हें रोका गया और आपस में झूमा झटकी की गई, जिसमें पुलिस बल के किसी के कपड़े से वो बटन भी टूट गए थे। बाद में थाना प्रभारी के द्वारा थाना बाणगंगा में आकर मुकदमा कायम करवाया गया और इसमें आरोपी है ASI मनोज सिंह चौहान और राघवेंद्र सिंह चौहान, जिसका अपराध क्रमांक इन्हें गिरफ्तार अभी तक नहीं किया गया है, तलाश जारी है। उप निरीक्षक निधि मित्तल, टाइम न्यूज़ देखिए।